बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मुतार पेपर के मुतल्लिक कुछ चीज़ें वाजा कर दूंगा जी। मुतार पेपर आपको मैं पिछली जो मेरी वीडियो है उसमें बता चुका हूँ है क्या, और इस वीडियो में थोड़ी डिटेल के साथ उसके मुतल्लिक बता दूंगा। कुछ भाई क्या, बहुत सी दुनिया भाई व्हाट्सअप के ऊपर आ चुकी है और मैसेज इतने आते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। चैनल को टाइम देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैसेज पे मैसेज। और उनके यार आप एक, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, एक मेहरबानी कीजिएगा। अगर कोई बंदा मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर रहा है तो वॉइस SMS करे और अपने मतलब की बात पूछे, ठीक है ना। तो मुझे कॉल कीजिएगा ना टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ कर एक एक लफ्ज़ लिख कर आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, और वॉइस SMS सुन के आपको वॉइस SMS का जवाब दे दूँगा। और मतलब काम तक बात कीजिएगा। कुछ बंदे भाई अभी मैं मैसेज का जवाब दे रहा हूँ तो 50-50 मुझे मैसेज किए जा रहे हैं। अभी मैं किस चीज़ का जवाब दूँगा आपको, मसला एक ही है, उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है। मतार पेपर के मतलब वाजह करूँगा जिस वीडियो में। मतार पेपर बेसिकली है ये जी कि आपका डाटा है, आप सऊदी अरेबिया में क्या किसी केस की सिलसिले में बैन है, या आप तरहील या डिपोर्ट हुए हैं तो आप बैन हैं, या इसमें कितने साल की आपके ऊपर पाबंदी है, और इसके अलावा आप लीगल तरीके से गए हैं, यानी कि आपका इकामा वगैरह था और आप खरूज नहाई लगवा कर गए, तो आपको ये निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं, ये उन बंदों को ज़रूरत होती है जो सफारा से खरूज लगा के आ रहे हैं, हरूब थे या पकड़े गए किसी सूरत में, किसी सिलसिले में जेल में रखे और उसके बाद डिपोर्ट किए गए, उस सूरत में है जी ये मतार पेपर की जरूरत होगी। उसके अलावा जो बंदे लीगल तरीके से जा रहे हैं उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं है, वो अपना जवाजात से खरूज वाला पेपर ले लें, बस सिंपल वही है। वो भी जब नेक्स्ट टाइम वो न्यू वीज़ा पर जाएंगे तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। उसकी शायद एक पिक्चर यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, जवाजात से जो खरूज का पेपर निकलता है। अभी बंदों के पास खरूज का पेपर होता है, बंदे बोलते हैं जी इसमें तो खरूज नहाई उदन हाइया लिखा हुआ है, ये पेपर मुझे देख कर बता दें ये सही है, इसके मतलब मैं उस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो लेकिन इसके ये आपके खरूज का डाटा है भाई, आपकी कंपनी का, आपके इकामे का, आपके पासपोर्ट का, और आपका मुकम्मल डाटा है। इसमें कहीं भी ये वाजह नहीं है कि आपके ऊपर इतने साल की पाबंदी है या आप सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं नहीं हो सकते। इसके लिए हमें मतार पेपर की जरूरत होती है। मतार पेपर की यहां पर शक्ल बूथा आपको दिखा रहा हूँ, अगर पंजाबी में बोल दूँ मैं तो कुछ बातें ऐसी बोलनी पड़ती हैं फिर भाई समझ अच्छे से जाते हैं। अच्छा, ये बात ये है जी कि आपको मैं मतार पेपर की शक्ल क्यों दिखा रहा हूँ, बंदे पूछ रहे होते हैं मतार पेपर भाई है क्या, कैसा होता है, इस टाइप का होता है, और इसमें वाजिया क्या होता है। इसमें ये जो आप जेल से, यानी कि कोई भी बंदा डिपोर्ट होता है यानी कि तरहील जेल से अपनी कंट्री में भेजा जाता है, तो वो वहाँ से उसको पेपर नहीं मिलेगा उस टाइम, ये जब आउट ऑफ कंट्री हो जाएगा उसके बाद उसको ये पेपर मिलेगा, और वो अपने किसी जानने वाले से रब्ता करके ये निकलवा सकता है। पाकिस्तान में भी एक दो बंदे मैंने देखे हैं जी निकाल कर देते हैं, लेकिन मैं किसी के मुतालिक नहीं बोलूँगा क्योंकि जब कन्फर्म ही नहीं है तो फिर ऐसे मैं किसी का नाम क्यों लूँ। वहाँ से जवाजा से ये कन्फर्म है जी, मैंने खुद से निकलवा लिया, आपको वीडियो पिछली में मुकम्मल तफसील से बता भी चुका हूँ, यानी कि निकालना वगैरह कैसे है, 100 रियाल 120 रियाल लगता है जी। अच्छा जी, आपने निकाल लिया, उसमें अभी नीचे वाली साइड पर आप देख रहे हाला शख्स मरहल मना धू लिखा हुआ, ये बंदे नहीं जा सकते हैं, ये जेल से आए हैं, ठीक है। अभी जिनके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ साफ है, ठीक है, वो जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ, अभी एक भाई ने आज रब्ता किया जी, उसने बोला जी मैंने पेपर एक भी दोबारा निकलवाया है जी, एक और देखें इसमें कहीं भी लिखा नहीं आ रहा है, मेरा कंप्यूटर साफ़ हो गया और मैंने 3 माह तकरीबन पहले एक मतार पेपर निकाला था उसमें पाबंदी थी। जब मुझे सेंड किया गया तो मैं देख रहा था कि जो अभी न्यू पेपर निकाला गया है वो निज़ामुल वाफदीन यानी कि वाफदीन से निकाला गया है, और वाफदीन का पेपर और है भाई, और मतार वाला पेपर और है। और इस भाई को मैंने वाजह किया कि आपका जो वाफदीन का पेपर है इस, ये भी ठीक है चलो, लेकिन इसमें भी मरहल लिखा आ रहा है, इसमें भी आप यानी कि मरहल आप बैन है सऊदी अरेबिया में, आप नहीं जा सकते। तो भाई मतार पेपर बेसिकली आपका डाटा है, अगर आप किसी भी मसले की सूरत में सफर कर चुके हैं सऊदी अरेबिया से। हाँ, यहां पर एक बात मैं वाजह कर दूं, पिछली वीडियो में भी वाजह की थी, अगर खरूज नहाई आपने सफारा से लगवाया है तो फिर आप वापस जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको आपका मतार पेपर लाजम निकलवाना चाहिए, क्योंकि सफारा से भी बहुत से ऐसों के भाइयों के खरूज लगते हैं जिनको निज़ामुल वाफदीन में भेज दिया जाता है और वहां पर उनके फिगर होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर भी पाबंदी हो जाती है, ठीक है जी। तो मतार पेपर लाजम निकलवाएं, मैं बशर्ते आपको मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ हाँ आप जा सकते हैं, या कोई भी बंदा आपको ये बोल रहा है आप नहीं जा सकते हैं तो भाई मत यकीन करें, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, आप यकीन मत करें, आप मतार पेपर निकलवाएं, 100 रियाल लगवा लें, 4-5 लाख लगाने से पहले, चाहे ये 5-6 हज़ार पहले लगा लें, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप मुतमिन हो जाएंगे, आपको कन्फर्म हो जाएगा आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं।